नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक्टर अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में निधन। रामायण में रावण का निभाया था किरदार। टीवी जगत के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। जानकारी के अनुसार अरविंद त्रिवेदी का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह मुंबई के दहानुकरवाड़ी शमशान घाट में होगा। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन बीती रात हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी के निधन की पुष्टि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने भी की है। रामायण में शानदार अभिनय करने वाले अरविंद त्रिवेदी के कई और किरदारों की भी खूब सराहा गया है। उन्होंने टीवी धारावाहिक विक्रम और बैताल में भी काम किया था। ये शो भी छोटे पर्दे पर लंबे समय तक छाया रहा। अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से की थी। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी भी गुजराती सिनेमा का चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से अरविंद त्रिवेदी को गुजराती दर्शकों में पहचान मिली, जहां उन्होंने 40 वर्षों तक योगदान किया। उन्हें शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके थे। कई बार उड़ चुकी थी मौत की अफवाह। कोरोना लॉकडाउन के दौरान टेलीविजन पर रामायण शो का फिर से प्रसारण किया गया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अरविंद त्रिवेदी के लंबे समय से बीमार रहने की वजह से कई बार मौत की अफवाह भी उड़ चुकी थी। इस साल मई महीने में भी अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाहें सामने आई थी, लेकिन उस समय कौस्तुभ ने सामने आकर सफाई दी थी। कौस्तुभ ने बताया था कि अरविंद की तबीयत बिल्कुल ठीक है, साथ ही उन्होंने फेक न्यूज नहीं फैलाने की गुजारिश की थी। त्रिवेदी ने कम से कम 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। साल 2002 में उन्हें सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया गया था। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।